दिल्ली एनसीआर से खबर, जहां पर सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा खराब देखा गया। बहुत ज्यादा गिरावट इसमें दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 300 पॉइंट्स को पार कर गया है। AQI के 300 पॉइंट्स पार कर जाना मतलब खतरे की घंटी। आसमान में धुंध छाई रही कल। आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, माफ कीजिए, जहां आप देखेंगे कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। और इन सबके बीच में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में लोगों को। लोग गैस चैम्बर में रहने जैसा महसूस करने लग चुके हैं। और देखिए, ऐसे में त्यौहार का समय है, दीपावली भी है, यमुना नदी, तो आप जब उसकी तस्वीर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यमुना नदी में जहरीला झाग नज़र आया। सर्दी का मौसम आने वाला है, दिवाली की तारीख भी अब बेहद नज़दीक आ गई है। दिवाली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है, तो अब आप समझ सकते हैं कि मौसम का हाल अभी से ख़राब होना शुरू हो चुका है, जबकि दिवाली 1 तारीख को है। मौसम विभाग IMD का यहाँ पर ये कहना है कि दिल्ली के तापमान में कमी का दौर जारी है। सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा था। तो ठंड का मौसम नज़दीक आते ही दिल्ली NCR के शहरों में आबोहवा बिगड़ने लगती है। गाज़ियाबाद की अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। NCR का ये वो इलाका जहां पर आप देखिए कैसी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। AQI यहां पर 267 रिकॉर्ड किया गया है। गुलाबी सर्दी का आगाज़ होते ही गाज़ियाबाद की आबोहवा जहरीली होना शुरू हो गई है। पॉल्यूशन बढ़ने पर दवा और आस्थमा मरीजों की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। होने के साथ ही पोल्यूशन की चादर दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। सुबह का वक्त और फिलहाल हम खड़े हैं धोबी घाट के आरओबी पे और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की एक चादर नजर आने वाली है। अगर बात की जाए पोल्यूशन लेवल की, तो अभी का जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तकरीबन 267 है, जो कि ऑरेंज जोन में है, जो खतरनाक की श्रेणी में भी आता है। आपको बता दें इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग लोगों को एवं साथ ही छोटे बच्चों को होती है। अस्थमा और दमा के मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है, वैसे वैसे इस मौसम में तब्दीली होती है और पॉल्यूशन का जो स्तर है वो दिन ब दिन दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में बढ़ता जाता है। यही कारण भी है कि लाख तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को महज किताबी रूप में ही देखा जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर साल इसी तरह के जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता है, लेकिन कई दावे बेशक किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है, जिसकी वजह से आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 प्रदेश। भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्रा की पत्नी और करीबियों की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने 14,39,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। प्रयागराज रीवा दिल्ली में 12,54,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा 1,85,00,000 रुपए की बैंक FD भी जब्त हुई है। आरोप के मुताबिक पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी और उनके करीबियों के नाम पर ये संपत्ति थी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ईडी अब विजय मिश्रा की 25,46,00,000 रुपए की संपत्ति को लेकर जो पूछताछ कर चुकी है, अब और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। उधर बरेली में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। किला थाना क्षेत्र के शमशान भूमि रेलवे क्रॉसिंग के पास ये पथराव देखा गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी और डंडों की मदद से लोगों को तितर बितर किया, पत्थरबाजों को तितर बितर किया। पथराव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसको लेकर बाकरगंज चौकी इंचार्ज की ओर से केला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 10 नामजद और 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लखीमपुर खीरी में शातिर ठगों ने नेपाल सरकार के एक बड़े अफसर से 2,50,000 रुपए ठग लिए हैं। नेपाली करेंसी इंडियन करेंसी में बदलने के नाम पर ही ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। सचिव को पत्नी के इलाज के लिए इंडियन करेंसी की जरूरत थी। ठगी का शिकार अफसर नेपाल सरकार से पर्यटन उड्डयन मंत्रालय का सचिव है। नेपाली अफसर ने जब पुलिस से इसकी शिकायत की
ठगी की घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने ठगों से पैसा वापस कराया। पैसा मिलने के बाद उन्होंने योगी सरकार, यूपी पुलिस और लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन का धन्यवाद अदा किया। मंत्री आदित्यनाथ, योगी और इधर का खीरी पुलिस और पलिया पुलिस और डीएम साहब और कप्तान साहब और इंस्पेक्टर साहब और एसआई साहब, सबको मैं नेपाल के तरफ से, नेपाली जनता के तरफ से थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दीजिए, बहुत फास्ट सॉल्व कर दीजिए, प्रॉब्लम हो गया, सॉल्व हो गया। इसलिए मैं नेपाल के जनता के तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक्स अलग बोल रहा हूँ मैं।